Gaur Brahmanande Hare. चले आज कथा सुन लो ओ गोपियां आ कथा सुन लो ओम ज्ञान सुराम नारायण सुलाके चंद्रोदय कुंजे नमस्ते गुरवे गौर चंद्राय राधिका जय सदाले कृष्णाय कृष्णमताय तद्भक्ताय नमो नमः पांचाकल्पतनुवर्ष कृपासिन्धुभयवर्ष पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरवैसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुधासदि गौर भक्तवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्री माधवी सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत पट साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्री मध्यवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाशीघ्र प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग जो कथा सुनेंगे श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत। प्रभुपाद को अलग अलग समय पर भक्तों ने अलग अलग प्रश्न किया तो प्रभुपाद ने उसका उत्तर दिया है। कहते प्रभुपाद कौन है? कहते राधा रानी की नयन मणि मंजरी है और राधा रानी को द्वारा उत्प्रेरित होकर इस जगत में आए ये जीवों को उद्धार करने के लिए। अगर ये उपदेश अगर हम पालन करें तो क्या होगा? हम सीधा ठाकुर जी के पास में जा सकते हैं। ये बहुत बहुत प्रश्न हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या हम लोग अपने आप को रक्षा कर सकते हैं? कहते हम क्या अपने आप को रक्षा कर सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते कख नहीं ना, मतलब कभी भी हम अपने आप को रक्षा नहीं कर सकते हैं। कहते आमी निजे के रक्षा करीब यह अभक्त असुर विचार। कहते ऐसे जो विचार करता है हम खुद को खुद रक्षा कर सकते हैं, ये विचार किसका है? वही राक्षसों का विचार है। हम कहते हैं ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं लिखा है, इसलिए हम अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते हैं। कि भाई किसने दिया है, शरीर किसने दिया है, जीवन किसने दिया, उसने तो दिया है। पर एक समय कोई एक व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था, इतने में भगवान ही स्वयं साधु बन करके आ गए। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले आत्महत्या करने के लिए। बोले किस लिए? बोले भगवान तो हमें कुछ ही नहीं दिया, अगर सोने में भी हाथ लगा तो वो भी मिट्टी हो जाता है। बोले भगवान तेरे कुछ भी नहीं दिया। बोले दिया क्या ठाकुर हमें? कहते किसकी बुद्धि? कहते राक्षसों का बुद्धि है, राक्षसों का बुद्धि। भगवान बोले काम करोगे 10 लाख रुपया देता हूँ, एक आँख निकाल कर दे। बोले ऐसे आँख कैसे दे दूँ, आँख कैसे दे दूँ? बोले देखूँगा कैसे? बोले तुम बोल रहे हो ना भगवान तेरे को कुछ भी नहीं दिए, 10 लाख कितना हो गया? 2 आग दे दिए ठाकुर जी, 1 लाख 1 आग दे सकते थे लेकिन उन्होंने 2 आग दिए। बोले क्यों? अगर 1 आग अगर खराब हो गया 2 आग काम कर सकता। बोले कान काट कर दे 10 लाख रुपया ले। कान कैसे काट, सुनूंगा कैसे? बोले भगवान एक नहीं 2 कान दे दिए, 1 कान अगर किसी कारण से खराब हो गया दूसरा काम कर,
लेकिन हाथ काट कर दे सकते हो 10 लाख से, हैं? बोले काम किसे करूंगा, बोले भगवान ने 2 हाथ दिए, हैं? एक हाथ अगर खराब हो गया 2 हाथ काम कर सकते, लेकिन टांग काट कर दे दोगे 20 लाख देता हूँ। बोले चलूंगा किसे, बोले हिसाब कर तो, बोले एक किडनी दे दोगे 50 लाख में, बोले कैसे, बोले जिंदा कैसे रहोगा, बोले भगवान दो तो किडनी दिए, बोले अभी हिसाब लगाओ कितना पैसा होगा, 1 करोड़ तो किडनी का होगा। इसलिए हिसाब लगाए कि ना, कहते अरब खरब रुपया की संपत्ति भगवान ने हमें दिया है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं ये राक्षसों का विचार है, जो खुद मानते हैं हम खुद को खुद हम पालन कर सकते हैं, कहते ये अभक्त ये राक्षसों का विचार, राक्षसों लोग कही अरे खाओ पियो दुनिया कौन देखा मरने के बाद मेरे कौन जन्म लेता है, ऋणी करके भी घी पी लो, मरने के बाद कौन ऋणी चुकाने के लिए आएगा, अरे भगवान क्या करने वाले, करने वाले तो हम सब जैसे हिरण्यकशिपु हैं, प्रहलाद को बोले, प्रहलाद महाराज को बोले बताओ तेरे को इतने शक्ति किसने दिया, मेरे डर से सारा दुनिया कंपमान हो रहा है, आकाश पाताल पृथ्वी, और तू ऐसे एक कुत्ते का पूछ जैसे जितने घी लगा दो कभी सीधा होता ही नहीं, तू ऐसे हो, इसलिए तेरे को किसने शक्ति दिया, बोले पिताजी आपको जिसने दिया शक्ति ना ये मुझे भी दिया, अरे मुझे नहीं विश्व ब्रह्मांड को जो शक्ति देने वाले वही है पिताजी, वो अगर चली जाए ना इतनी जो डी घाक रहे हो घर से निकाल देंगे, घटक भी नहीं रखेंगे, निकालो इसको घर से, वे हे हृदय में इसलिए इतना डी घाक रहे हो, करने वाले हम करने वाले, दोबारा पतला पैखाना हो जाए ना बस राम नाम, अभी मलेरिया हो गया था ना जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में भर्ती कर दी है, इसलिए कभी ये राक्षसों का भावना है, हम अपने आप को रक्षा कर सकता है, एरू कुविचार असले विपद, ऐसे जब हमारे अंदर में एक कुविचार आता है ना तभी जीवन में ये विपद तभी आता है, कृष्ण ही आमार रक्षा करता, सुतराम आमार आभार भय किसे, यहाँ पर कह रहे हैं हमको रक्षा करने वाले कौन है, कृष्ण है, इसलिए 6 तरह का शरणागति, उसमें एक शरणागति है रक्षिष्यति विश्वास, मतलब भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे ये विश्वास हमारी होनी चाहिए, हैं? विश्वास होनी चाहिए, अगर भगवान अगर हमें रक्षा कर सकते हैं पर फिर डर किस चीज का, जब भगवान हमको रक्षा करने वाले तब डर है, जैसे प्रहलाद को उनको पता है भगवान हमें रक्षा करेंगे, इसलिए उसका भयंकर चुके पिताजी इतने बड़ा दैत्य है, लेकिन कोई डर भय नहीं, तो जिस समय हरिदास ठाकुर जी को मुसलमान लोग पकड़ कर ले जा रहे थे, मुसलमान लोग पकड़ राजा के पास में ले जा रहे थे और 22 बाजार में पिटाई की, वहाँ पर कृष्णदास कविराज गौर कह रहे हैं भाई भैया ये साधारण राजा किया, भक्त तो काल को भी नहीं डरता है, भक्त काल को भी नहीं डरता, सारा दुनिया काल को डरता है, लेकिन काल किसको डरता है, काल भक्तों को डरता है, क्योंकि हर समय ये भगवान का भजन भगवान की ये भक्ति करने का नाते इनको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, जैसे अम्बरीश महाराज के ऊपर में दुर्वास ऋषि ने कृत्य मारे, मारने के लिए राक्षस वो कहीं नहीं हाथ जोड़ कर खड़े रहे, बोले क्यों, बोले जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगत नहीं, इसलिए भगवान जिसको रक्षा करेंगे उनको कौन क्या बिगाड़ सकता है, कौन क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं जब कृष्ण हमारी रक्षा करता है, कृष्ण हमारी रक्षा करता फिर हम किस चीज की डर है, कोई डर है, इसलिए श्री भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं बोले अशोक भय अमृत आधार तुमार चरण धोए ताहाते खन विश्राम लभिया छाड़ी नो भवे रवर, भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं प्रभु आपका चरण में 3 चीजें क्या क्या है, बोले अशोक जहाँ पर शोक नहीं, अभय जहाँ पर डर नहीं,
अमृत जहाँ पर मृत्यु नहीं है, ये कहाँ पर ये तीन चीजें है, अपने ठाकुर जी की चरण में ही ये तीन चीजें हैं। इसलिए चरण कमले अमिया उछले ताहते नूपुर दाम, कहते भगवान के चरण में जो अमृत उछलती रहती है, हर समय अमृत उछलती रहती है। इसलिए भगवान के चरण में शंख चक्र गदा पद्म कमल स्वस्ति सब कुछ है, सब कुछ ठाकुर का चरण में। चक्र को स्मरण करो विपद दूर हो जाएगा, स्वस्ति को स्मरण करो जीवन में मंगल होगा, झंडा को स्मरण करो दुनिया में जय जयकार होगी, गदा को स्मरण करो शत्रु को विनाश कर देंगे, कमल को स्मरण करो जीवन में खुशबू आएगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जब हमें भगवान रक्षा करने वाले हैं फिर हमारा डर किस चीज़ का, डर किस चीज के। यहाँ पर भक्त प्रहलाद न्याय यही सुविचारी ग्रहणीय, जैसे प्रहलाद महाराज ने जो विचार को उन्होंने ग्रहण किया था, भक्तों को यही विचार को ग्रहण करनी चाहिए। भक्त प्रहलाद जैसे निर्भय डर नहीं, और लास्ट में मारने के लिए उन्होंने कितने कोशिश किया, लास्ट में खुद को मरना, हिरण्यकश्यप खुद मरा, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। कहते भगवान रे कथाएं उदास निहले एवं भगवान रे ऊपर निर्भरता करे कमे गेले नाना को विचार अहंकार ऐसे आमादि को विपन्न करे। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं भगवान रे कथाएं उदास निहले, जब भगवान की कथा में हमारे उदास नहीं आ जाता है, भगवत कथा में हमारी रुचि नहीं आती है, और भगवान ने निर्भरता कमे गेले, जब हमारे मन के अंदर में भगवान के ऊपर जो निर्भर है जब ये घट जाती है, क्या होता है, अहंकार आकर के हमें तरह तरह का विपन्न, तरह तरह का हमें विपदग्रस्त कर देता है, हैं? कहते ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता हम कहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे मन में कभी कभी मठवासी भी ब्रह्मचारी इनके मन में भी कभी कभी कमी आ जाती है, क्या हमको भविष्य में कौन देखेगा, गुरुदेव की बात कभी 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 ब्रह्मचारी कन्यास के अंदर भविष्य में हमें कौन मठ में अगर कोई नहीं देखेगा तो फिर क्या होगा, ये बात गुरुदेव कहते हैं। भले इनको पैसा के ऊपर, अगर मैं पैसा अगर बैंक में जमा रहेगा ना फिर तो ये पैसा ही हमें देखेगा, पैसा ही देखेगा, अगर मंदिर में कोई नहीं देखेगा तो फिर क्या होगा, हमारे मंदिर में नहीं देखेगा तो क्या होगा, फिर हमें कौन कहते, किसकी मन में भावना आती है, गुरुदेव कहते बोले जो भजन नहीं करते, जो भक्ति नहीं करते, जो भक्ति करते हैं दुनिया को पालन कर चींटी से लेकर हाथी तक पालन करने वाले कौन है, ठाकुर जी पालन करने वाले, भगवान पालन करने वाले। अगर हम भक्ति करेंगे भजन करेंगे, अगर हमारे भक्ति में शक्ति हो ना, हाँ भक्ति में शक्ति हो फिर तो भगवान स्वयं आकर के भक्तों का सेवा भगवान करते हैं, भगवान स्वयं आकर भक्तों की सेवा स्वयं कहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो भक्त मेरा सारा जीवन सेवा करता है, यानी विश्वनाथ चौट कह रहे हैं जब कोई भक्त सारा जीवन कृष्ण भजन किया, अंतिम समय जो अथर्व हो जाता है भगवान की सेवा नहीं कर सकता, उसका सेवा कौन करेगा, भगवान कहते विश्वनाथ चौट कृष्ण को करना पड़ता है। क्यों, कृष्ण देखते ही सारा जीवन ये मेरे भजन किया, लेकिन अगर तुम्हारी भजन में खोट हो, हैं तुम अगर निष्कपट रूप में भजन नहीं किया, कपटता हृदय में रखी, उनकी निष्कपट सेवा नहीं किया, तुम्हारी सेवा कौन करेगा, कोई करेगा दुनिया वाली नहीं करेगी। कभी कभी तो अभी हम एक घर में गए थे, शायद ये सब कोई थे, बहुत बड़ा मकान बना रहा है, बहुत विशाल मकान, मेरा कोई शिष्य है, तो उन्होंने घर को साइड में एक छोटा सा घर बनाया, तब मेरे को ये बोलो ना कोई बोले तो देखो बोले महाराज जानते ही घर में किसी को ना छोटा सा घर, बोले जो पिता माता बूढ़ा बूढ़ी हो जाएगा ना किसी घर में, जो बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे इसलिए एक घर से बाहर ये रूम बनाए उनको ये घर में रखेंगे। इसलिए लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान ऐसे नहीं, भगवान तो अपना भक्तों का अपना हृदय में स्थान देते हैं, अपना हृदय में स्थान देते हैं। इसलिए जब हमारी भक्ति में कमी होता है ना, क्योंकि हम निष्कपट रूप में तो भजन नहीं किया,
जो 24 घंटा भी 24 घंटा भजन करते हैं, भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तम जनमाम उपजामिते। उसको बुद्धि योग देने वाले कौन, मतलब मैं, विश्वास कौन देता, आत्मबल देता है। अगर तुम भक्ति नहीं किया, भजन ही नहीं किया, ऊपर में साधु का ढोंग तुमने रचाया है, साधु का ड्रेस लेकर ढोंग बनाया, भक्ति भक्ति कुछ किया ही नहीं, फिर उसको भी आत्मविश्वास आया कहाँ से? अम्बरीश महाराज में आत्मविश्वास कैसे आए? उनको फिर न विश्वास, बोले क्यों, भजन करता है। जो भक्ति करता है ना उसको पूर्ण विश्वास होता है, भगवान ने हमें रखा करके तुम भक्ति ही नहीं किया, भजन का ढोंग किए हो, तब तुमको विश्वास कहाँ से आएगा? विश्वास हो ही नहीं सकता है। इसलिए गुरुदेव कभी कभी कहते थे, कभी कभी ब्रह्मचारी हो, मैंने बोला भैया कौन देखेगा अंतिम समय, क्या तुमने भगवान ने भजन नहीं किया, तुम भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान तुम्हें रखा करके विश्वास नहीं, तुम रुपया पैसा रखा करेगा, ये रुपया पैसा तुमको लास्ट में रखा करेगा? अगर कठिन तुम्हारी कोई बीमारी हो गई, ये रुपया पैसा क्या काम में आएगी तुम्हारे? क्या रुपया पैसा काम करे ना, तुम संसार वाले तुम्हारी कोई सेवा करेंगे, लास्ट में संसार वाले हैं देखते नहीं उस तरफ में, देखते ये कब मरेगा, ये मर नहीं रहा है, कब मरेगा है। लेकिन देखो हमारे गुरुवर को कब देखो, जैसे मैंने देखा अपना गुरु जो गुरुदेव जो थे, अंतिम समय में इतने हमारे शिष्य लोगों ने गुरु जी की इतने सेवा किया, गुरु जी इतने सेवा किया। एक प्रभुपाद के शिष्य थे जिनका नाम भक्ति कुंद संत गोस्वामी महाराज, जब हमारे गुरुदेव का लास्ट उम्र था, एकदम भक्ति कुंद प्रभुपाद गुरुदेव गुरु भाई जब आए ना, तो मेरे गुरुदेव बोल रहे थे, बोले महाराज जी हमारे शिष्य लोग बहुत सेवा कर रहे हैं। हमने देखा भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जब उन्होंने अंतिम समय कितने सेवक 26 घंटा उनके पास में रहते थे, 26 घंटा, और इतने एक एक चीज को आप तो देखे नहीं, तो मैंने देखा एक मुंह कोई एक मच्छर भी गुरुदेव के पास में नहीं आता था, एक मच्छर भी नहीं आता था, गुरुदेव इतने सेवा कर रहे थे। कितना सेवक, घर में जो वृद्ध होते हैं कौन सेवा करते हैं, कोई देखते भी नहीं, कोने में पड़ा रहता है, देख कर मुँह को घुमा करके चले जाते हैं। लेकिन हम देखा जो गुरुवर का इतने सेवा किया, कोई दुनिया में नहीं कर सकती। जो गुरुदेव अंतिम समय में देखा 26 घंटा गुरु के पास में, कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो ठाकुर की सेवा करते हैं ना, ठाकुर उनकी सेवा करते हैं। लेकिन हम दुर्भाग्य है, हमारे मन में भगवान पर तो विश्वास नहीं आता, कौन देखेगा हमें बूढ़ा हो जाने पर? मतलब इसका मतलब क्या, भगवान भजन नहीं किया था, फिर कोई आत्मबल नहीं। लेकिन जब हृदय से भक्ति करते हैं ना, तभी आत्मबल जीवन में तभी आता है, नहीं तो आत्मबल हमारे कहाँ से आए? ये भी बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कहते हैं अहंकार आ करके हमें क्या करेगा, विपत्ति में डाल देगा। भगवान के ऊपर में जब विश्वास घट जाती है, ये सारे कुविचार तभी आता है, भगवान पर जब हमारी विश्वास खत्म हो जाती है। ये बात कभी भी जो भक्ति करने वाले साधन करने वाले उनके मुंह से कभी नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब हो गया तो भगवान के ऊपर में तुम्हारी विश्वास की कम। तीन शिफ्ट में महाराज, तीन शिफ्ट में सेवा कर रहे थे, पांच पांच जन गुरुदेव परम गुरु, बहुत तीन शिफ्ट होते हैं, पांच जन इंतजार करते थे कब मिलेगा हमें, तरस रहे थे, लाइन लग रहा था, लाइन सबका सभी को नहीं मिलता है, सबको नहीं मिल रहा था सेवा। हाँ, क्योंकि भगवान की सेवा करोगे तभी तो तुम्हारी सेवा करेंगे। उत्तम प्रभु बोल रहे थे उधर तो मुझे नहीं मिला, पुरी में आए तो चांस मिला मुझे, और रात का शिफ्ट का मिला, दिन का पूरा बिजी था। और जो मेरे जो गुरुदेव थे उसमें दो घंटा दो व्यक्ति। और जब गुरुदेव लास्ट में कलकत्ता में थे, हठात में कैसे जगन्नाथपुरी से मैं कलकत्ता गुरुदेव को देखने के लिए गया। तो हम जो एक नरसिंह प्रभु हमारे मंदिर मेरे गुरु भाई हमें जिस समय हमारे सीख था बता एक बजे से लेकर के दो बारह से लेकर के बारह से एक और दो तक हमारी मेरे और नरसिंह प्रभु और हम गुरुदेव को मेरे ऊपर गुरुदेव को हवा कर रहा फैन थी। लेकिन फैन नहीं करके गुरुदेव को हवा रात भर दो गुरुदेव को मुँह में ऐसे जगन्नाथ का प्रसाद का पानी कभी कभी जरूरत होता था गुरुदेव मांगते थे पानी पिला मार्ग पानी पिलाते थे रात भर। ऐसे कोई घर में कोई पिता माता कोई सेवा करता है रात भर जगकर, दुनिया में कोई है तो गुरुदेव आप
अपना पिता माता अगर रात भर जग कर दो तो व्यक्ति 24 घंटे कोई रहता है क्या? कोई नहीं है, फेंक देते पड़े में पड़े रहते, मर गया तो हाँ सोचे जाते तो नहीं गया किस और प्राण जाता है पता नहीं चलता है। अभी कामिन दीदी बोल रहे थे खुद पति खा करके सोए कब मर गया, क्योंकि पता ही चला कि कब मर गया पता ही नहीं चला। इसलिए कहते उसी तरह जो भक्ति करते हैं उनकी हर समय उनकी भगवान भक्त लोग सब। इसलिए जब मैं गुरुदेव की सेवा कर रहा था ना, हवा कर रहा था, गुरुदेव ठीक उसी समय भी गुरुदेव है। मैं जब गुरुदेव का हवा कर रहा था सर में खड़े होकर हठात मैंने देखा गुरुदेव की आँख खुल गई, गुरुदेव की आँख खुल गई। मैंने देखा गुरुदेव आँख क्यों खोलती है, आँख बंद था आँख खुल गई। इसलिए कहते जो प्राण है ना अलग अलग रूप में जाते हैं, कभी आँख को तरफ में, कभी मुँह को तरफ में, कभी ब्रह्म तालु फट करके, हाँ अलग अलग रूप में प्राण जाती है। इसलिए गुरुदेव लास्ट में आँख खुले। मैंने नरसिंह महाराज हमारे प्रभु जी थे, मैंने कहा गुरुदेव आँख क्यों खोल दिया, बस कुछ समय में ही 1:10 में गुरुदेव ने उस रात को गुरुदेव ने अंतर्ध्यान लीला प्रकाश किया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान ऊपर निर्भरता कमे के लिए नाना कुविचार। जब भगवान के ऊपर में है कद निर्भरता जब कम जाती है मन के अंदर में, तरह तरह का कुविचार आने लग जाता है। अरे भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, हमने इतना सेवा की, भगवान हमारे साथ में किया ऐसे किया, हमने ये किया ये कभी, जितने सारे वो सारे कुविचार है, ये सही विचार नहीं। अभी 25 जो उनका उपदेश है, इसने प्रश्न करते हैं के उधार पाए, मतलब कौन उधार हो सकता है भवसागर से। उसका उत्तर देते हैं बोले जखन ही हमारा भगवान रे सेवा करबो ना, तखन ही अन्न चिंता बा भोग बुद्धि ऐसे आमा दिगे के ग्रास करीबे। इसलिए संसार से कौन उधार पा सकता है, बोले जिस समय हम लोगों का भगवान की सेवा नहीं करते हैं, ठाकुर को सेवा नहीं करते हैं, उस समय क्या होगा, फिर दूसरे चिंता आकर के हमारे दिमाग में बैठे। लेकिन जब हर समय हम भगवान का नाम कीर्तन भजन करेंगे उस समय हमारा मन कहाँ लगा रहेगा, बोले भगवान में ही हमारा मन लगा रहेगा। जब वो चीज़ नहीं रहेगी फिर क्या होगा, हमारे अंदर में दुर्बुद्धि आकर के, फिर दुर्बुद्धि आकर के अंदर में प्रवेश करता है। इसलिए भोग बुद्धि ऐसे सामर्थ्य का ग्रास कर रहे, उस समय हमारे अंदर में भोग बुद्धि ग्रास करता है। इसलिए नियम है समय को कहीं बर्बाद नहीं करनी चाहिए, भगवान का नाम करो, कीर्तन करो, ठाकुर की सेवा करो, है हर समय क्या करो, मन को भक्ति में लगा करके हर समय रखो, फिर नहीं तो आकर के हमें माया ग्रास करेगा। बोले करुणामय श्री कृष्ण एक विपद है ते आमादि के रक्षा करिवार जन्य सर्वदा ही प्रस्तु, किंतु आमरा तार पर ऊपर संपूर्ण निर्भर ना कर ले कि कर रक्षा पावो। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान बड़े दयालु है, भगवान बड़े दयालु कहते करुणा है, हम कहते ना हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपति। भगवान कौन है, भगवान करुणा की समुद्र है, दीनों का बंधु है, करुणा की सिंधु है भगवान है। भगवान हर समय अपना भक्तों को रक्षा करने के लिए, हमारे उड़िया में भजन है एकातु भक्त जीवन भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह, एकातु भक्त जीवन कहते हैं भक्तों का जीवन कौन है, भगवान, और भगवान का जीवन कौन है, भक्त। कहते भगवान ये शंख चक्र गदा पद्म क्यों धारण करके रखे, ये इसलिए चक्र धारण करे मेरे भक्तों को ऊपर कोई विपत आएगा तो मैं इसको रक्षा करूंगा। बोले भगवान ये गदा क्यों धारण किए, भक्तों को ऊपर कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए, इसलिए भगवान ये शंख चक्र गदा पद्म को केवल भक्तों की रक्षा के लिए भगवान क्या किया, इस चीज को भगवान ने करके रखे। कहते भगवान तो हर समय प्रस्तुत है भक्तों को रक्षा करने के लिए, ठाकुर जी हर समय रेडी है भक्तों की
रक्षा करने के लिए भगवान रेडी है, किंतु किंतु हमारा तार पर संपूर्ण निर्भर ना कर ले की कर रखे बाबो, तो कितनी बढ़िया बात है। कहते इसमें गलती किसकी है, भगवान तो रक्षा करने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन कहते अगर हम भगवान के ऊपर संपूर्ण अगर निर्भर नहीं कर पाएंगे तो बोले भैया फिर रक्षा हमें कैसे मिलेगा। तभी तो भगवान रक्षा करेंगे जब तुम भगवान ऊपर संपूर्ण निर्भर करोगे। हमारा भगवान के ऊपर निर्भर नहीं, हमारा तो निर्भर है पैसा में रक्षा करेगा, पुत्र परिवार संसार में रक्षा करेगा, है हाँ भगवान होगा तो हाथ जाए कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं दिया कोई बात नहीं। इसलिए जब कृष्ण द्रौपदी जब कृष्ण को पूछे बोले प्रभु जिस समय दुशासन मेरी वस्त्र हरण कर रहा था मैंने आपको बड़े देर से बुला रहे थे, लेकिन आप आने में इतना देर क्यों लगाया। भगवान क्या बोले, बोले द्रौपदी तुम झूठ मत करो सच सच बताओ, तो क्या देर से मैंने बुला रहे थे। बोले क्योंकि बाहर से बुला रहे थे, हैं बोले तुम बताओ जब हरी सभा में दुशासन तेरे खींच करके ले आए कपड़े उस समय तुम क्या सोच रही थी। तो सोच रही थी मेरे पांच पांच पति हैं, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन गदाधारी भीम और भाला युद्ध में युधिष्ठिर तलवार युद्ध में नकुल सहदेव, ये हीरा मेरा क्या कर ले, तू सोच रही थी ना। इसलिए आधा रास्ता तक आया था तेरे को रक्षा करने के लिए वापस गया। बोले क्यों, बोले तब तेरे को जब इतने लोग रक्षा करने वाले बीच में क्यों आता। बोले द्रौपदी और थोड़ा पास में आया था, हैं और थोड़ा पास में आया था। बोले तुमने देखा ये लोग कुछ बोल नहीं रहे, फिर तू द्रोणाचार्य जी की तरफ में देख रहा था, भीष्म की तरफ में, कृपाचार्य धृतराष्ट्र की तरफ में, ये सब मेरे कुल वृद्ध सब बैठे हुए, मैं तो कुल वृद्ध हुई तो कुछ बोलेंगे। विशेष अगर पितामह भीष्म तो एक बोली निकाल दे ना, किसका हिम्मत नहीं टालने के लिए, तो सोच रही थी ना। बोले प्रभु तो सोच रही थी, बोले फिर मैं बीच में क्यों आया। बोले द्रौपदी तुम नजदीक में आया था फिर जया। बोले क्यों, तुमने जब देखा ये कोई कुछ बोल नहीं रहे तो अपने कपड़े को पकड़ के खुद रख दिए, दांत को नीचे दबा करके आ रहे, मैं साधारण करके बैठी थोड़ी हूँ, हाँ अजनी संभव में खुद को खुद में रक्षा कर सकता हूँ। लेकिन जब कोई रक्षा नहीं कर पाए, तुम खुद को नहीं रक्षा कर पाए, क्या गया तुमने दोनों हाथ उठा करके मेरे को तुमने बुलाया। फिर मैंने देर नहीं की, फिर अपना उत्तरी को मैंने फेंक दिया, बहुत सारा दुनिया देखते रहे साड़ी की नारी ना नारी बीच कोई साड़ी। यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए रक्षा करवार जन्य प्रस्तुत, किंतु हमारा तार ऊपर निर्भर करते पारी ना। कहते हम उसको पर निर्भर नहीं करते हैं, हम अपने आप को पर निर्भर करते हैं। हाँ अगर बैंक में पैसा रहेगा ना ठाकुर अगर रक्षा नहीं करेंगे, अरे बैंक का पैसा तो हम उठा कर खा सकते हैं ना, अगर ठाकुर रक्षा नहीं करेंगे। भगवान पकड़े बाबर रहेगा तो भगवान तुम्हें रक्षा क्यों करेंगे, किस लिए ठाकुर जी तुमको रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे नहीं, बोले ब्याह की तुमको पालन करेंगे, मेरे ऊपर तो तेरे विश्वास है ही नहीं, हैं मेरे ऊपर विश्वास। इसलिए बावन गोस्वामी महाराज कहते थे देखो मेरे जो पॉकेट है ना ये मेरे ब्याह, फिर जो पॉकेट में चले वही मेरे ब्याह है, देखो उनका शिष्य प्राण दे करके, प्राण दे करके उन्होंने शिष्य सेवा किया है। इसलिए जो भगवान ऊपर निर्भर करते हैं ना फिर भगवान उसको रक्षा करते हैं, और भगवान ऊपर जो निर्भर नहीं कर सकते भगवान फेंक देते, देख देख ले तो खुद को खुद देख ले कौन तेरे को बचाने वाले तेरे को। इसलिए लेकिन तभी ये विश्वास आता है जब हम भजन सही से करते हैं, ये तो विश्वास आई नहीं आएगी विश्वास। इसलिए यहाँ कह रहे हैं संपूर्ण निर्भर ना कर ले कि कर रक्षा पाबो, जब भगवान पर संपूर्ण हम विश्वास नहीं करेंगे हम रक्षा कैसे मिलेगा। कृष्णा जीव के गुरु रूप में रक्षा करे था के, कहते हैं भगवान क्या करते हैं शिष्य जीवों को एक तो गुरु रूप में भी रक्षा करते हैं, क्योंकि गुरु रूप में वाणी उनको समझा करके उनकी हरि कथा के द्वारा उनको भरण पोषण करते हैं गुरु रूप में। कृष्ण कृपार मूर्ति होले इन गुरु, बोले गुरु कौन है, कहते जो गुरु है कहते ये कृष्ण कृपा की जो मूर्ति है कहते ये गुरु है। ये कहते ना संसार दाबा नललीड लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम
प्राप्तस्य कल्याण गुणार नवस्य बंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो गुरुदेव कौन है? तो भगवान की कृपा ही है, भगवान की कृपा ही एक मूर्ति रूप में धारण करके आए से गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव कृष्ण की ये कृपा मूर्ति है, ये कृपा मूर्ति बोले कृष्णर प्रतिनिधि श्री गुरुदेवेर जीव के संसार है तो उद्धार करे कृष्ण निकट निये जवार जनी जगत आसन। कहते ये गुरुदेव कौन है? बोले भगवान की प्रतिनिधि है, भगवान इनको जगत में भेजते हैं, जाओ संसार में जीव दुख कष्ट भोग कर रहे हैं क्योंकि मेरे को भूल गए, अपना असली पिता को भूल करके नकली पिता बना दिया, नकली भैया बना दिया, नकली हैं सब भाई बंधु बना दिए हैं। इसलिए इसलिए सबको लगता है अंदर से, जब अंदर जब दुख होता है जब लगता है, अंदर जब अंदर अंदर सब देखते हैं ना संसार संसार में। तो आप कैसे हो? जब तक जेब में पैसा हो, पैसा घर सब घर। इसलिए ये जगत बड़े स्वार्थ है, जगत बड़ा स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ मिलते रहे ना तब तक वाह वाह करते रहते, और स्वार्थ जब खत्म हो जाते हैं घर जगत में फिर उसको पूछते नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कहते गुरुदेव कहते भगवान का प्रतिनिधि का स्वरूप होकर के ये संसार में हैं, हम लोग को उद्धार करने के लिए जगत में गुरुदेव पाद पद्म इस जगत में आते हैं। जे सब भगवान सज्जन से ही गुरुदेव कृपा सादर ग्रहण करें, जे सब भाग्यवान सज्जन से ही गुरुदेव कृपा सादर ग्रहण करें, तराई संसार थे उद्धार पे परा शांति रथा में जेते पारे। प्रश्न किया था कि संसार से कौन उद्धार होकर के हैं, संसार से कौन उद्धार होकर के भगवान का जो परम शांतिमय धाम है, जहाँ पर जन्म नहीं, जहाँ पर मृत्यु नहीं, जहाँ पर जरा व्याधि दुख कष्ट है, जहाँ पर परम शांति, ये धाम को कौन प्राप्त कर सकता है? ये धाम को कौन प्राप्त कर सकता है? कहते वो धाम को वही प्राप्त कर सकते हैं जो भाग्यवान जीव, जो भाग्यवान सज्जन गुरुदेव कृपा साधन जो है, जो सज्जन है, सज्जन मतलब इनके करोड़ों करोड़ जन्मों का पुण्य इनको उदय हुआ है, इनके संस्कार है। क्योंकि भगवान के ऊपर में सबका निर्भर नहीं आता है, सबकी भगवान के ऊपर निर्भर नहीं आता, गुरु की शरण में सभी नहीं आते। इसलिए कहते ना ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ही जीवन में सद्गुरु का प्राप्ति होता है, फिर ये गुरु को पर विश्वास करते हुए फिर भगवान की वो भगवान को भक्ति करते हैं। इसलिए गुरुदेव कृपा सादर ग्रहण करें, जो गुरु जी का कृपा को बड़े आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं, कहते वही व्यक्ति ही संसार से उद्धार होकर के भगवान को जो परम शांतिमय धाम है हाँ, वही धाम को वही केवल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए और किसी भक्त ने एक प्रश्न किया, क्या प्रश्न है? मंगल की करी हवे, मतलब हमारा कल्याण कैसे होगी, अपना कल्याण कैसे होगा? तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण आमार नित्य प्रभु, आमी कृष्ण नित्य दास, ए ज्ञान व अनुभूति यदि भक्त क्रम एक बार ऐसे जाए ताहले समस्त अमंगल पूरे छाई हो जावे, जावतीय मंगल कराए तो होते भाई। देखो ये जीवन में हमारा मंगल कैसे होगा, जीवन में हमारी मंगल कैसे होगा? मंगल तभी होगा, कब होगा? क्या जब हमारे अंदर में ये दृढ़ विश्वास आ जाए मैं कौन हूँ, बोले हम ठाकुर जी का ही संतान, उसका ही मैं सेवक हूँ। जीव का स्वरूप को क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाश जीव, ईश्वर का ही अंश है। हम अमल है, चेतन है, लेकिन सहज सुख राशि, लेकिन स्वमाया बस भरे गोसाई, लेकिन जो हम भगवान जैसे सच्चिदानंद स्वरूप हमारे अंदर वही भगवान जैसे आनंद स्वरूप, हम भी आनंद स्वरूप है, लेकिन हम माया के द्वारा अभी हम कबली कब होने के नाते अभी हम बिलबिला रहे, अब हम संसार में बिलबिला रहे। अगर ये पूर्ण विश्वास किसके अंदर में आ जाए, हम कौन है? भगवान का ही हम संतान है, उसकी ही जीव है, उसका ही दास है हम, हैं नित्य दास।
एक ज्ञान अनुभूति यदि भाग्य क्रम ऐसे जाए, कहते एक तो होता है हम तो सब जानते हैं क्या है, हम भगवान की संतान, उसकी बच्चे, उसका ही नित्य दास, लेकिन अभी हमारा विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन हम किसका दास समझ रहे हैं, अभी माया के दास समझ रहे हैं, बच्चा के दास, बहू की दास, नाती की दास, पोती की दास हैं, बेटा बेटी बहुओं को दास अभी हम समझ रहे हैं, अभी हमारी चीज़ अनुभूति नहीं हो रहा है। एक तो होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान, हैं, एक होता है ज्ञान मतलब हम सब जानते हैं, सब हम भगवान के बच्चे हैं, ठाकुर जी के बच्चे, उनका ही नित्य दास है, लेकिन अनुभूति नहीं। लेकिन अनुभूति किसके था? हनुमान जी। हनुमान जी क्या कहते, बोले प्रभु मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं कौन हूँ? बोले रघुपति का मैं सेवक हूँ, मैं सेवक। ये भाव कभी भी स्वप्न में भी ये भाव कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी करते थे क्या, 24 घंटा उनके नाम जप करते थे, 24 घंटा राम की सेवा करते थे, राम की सेवा करते थे। जब वो विसल करने बुट्टी लेने के लिए गए तो बीच में कालने में आ गया साधु बन करके, रात को विश्राम कर लो हैं सवेरे जाना, बोले राम सेवा ही मेरा विश्राम है, राम सेवा ही मेरा विश्राम है, हैं विश्राम ही। ठाकुर जी का हम कहते ना, जब हम सो ही रहे तो विश्राम कर लें, लेकिन भक्त लोगों का विश्राम किया, भगवान का नाम, उसकी सेवा, इसकी पूजा, यही भक्तों का ही विश्राम यही है। तद अगर किसी भाग्य क्रम से अगर हमें ये विश्वास हो जाए हम कौन हैं, ठाकुर जी का ही हम संतान हैं, उसकी सेवक है, अगर भाग्य क्रम में अगर ये विश्वास हो जाता है ना, बस जितने जीवन का अमंगल सब खत्म हो जाएगा, जीवन में तुम्हारी कोई अमंगल नहीं रहेगा, हैं, जावतीय मंगल कराए तो हो जाए, जगत का जितने मंगल है तुम्हारी हाथ की मुट्ठी में सारे मंगलमय आ जाए। लेकिन जब तक ये अनुभूति नहीं होता है हम भगवान की सेवक है, अनुभूति मतलब जब हम जीवन में अप्लाई नहीं करते, अगर हम उसकी नित्य दास हम फिर करना क्या चाहिए, 24 घंटा उसकी सेवा, उसकी नाम, उसकी करनी चाहिए ना, जब उसकी करेंगे फिर भगवान हमें रक्षा करेंगे, भगवान हमें रक्षा करेंगे। हाँ, इसलिए ठाकुर जी के मैं शरणागत हूँ, जैसे ये बच्चा है, पिताजी कौन है, ये माता जी, लेकिन ये खाने पीने के लिए कोई चिंता नहीं करता, फिर उसका टेंशन है क्यों, जानता है हम पिता माता की शरण में हैं, लेकिन पिता माता क्या जानते हैं, ये मेरे बेटा है, ये मेरा शरणागत है, इसलिए भले ही खुद नहीं खाएंगे लेकिन इसको खिला करके ही खाएंगे। जैसे ये कहीं खेल कूद करके आया, कहीं सो गया, भैया भी बढ़िया चीज़ बनाई घर में खाना, हाँ तो बढ़िया चीज़ बनाई, देखना ये नहीं उठने पर उसको जोर जोर करके, हाँ मार मार कर उठा उठा करके खिला करके तब खाएंगे, जब तक इसको नहीं खिलाएंगे ना और खाएंगे नहीं पिता माता, क्यों, कारण क्या, जो बच्चा है किसकी शरणागत है, पिता माता की शरणागत है, शरणागत होने का मतलब तो पिता माता क्या सोचते हैं, भैया तो मेरे लाला है, हैं ये मेरा बच्चा है, जब तक इसको नहीं खिला देंगे उनको चैन नहीं पड़ेगा। देखो उसी तरह जब हम ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाएंगे ना, जब तक ठाकुर जी हमें नहीं खिलाएंगे ना, ठाकुर भी भोजन नहीं कर सकते। प्रहलाद को भी जेल में डाल दिया, जेल में पड़ा हुआ, वैकुंठ में माँ लक्ष्मी छापान भोग 36 भजन लेकर के ठाकुर जी को खिलाने के लिए गए, भगवान खाए नहीं, बोले मेरे भक्त जेल में बैठा हुआ है, हाँ और मेरे ऊपर वो आश्रय क्या हुआ ना, मेरे ऊपर वो आश्रित है, जानता है ठाकुर जी मेरे रक्षा करने वाले, पालना करने वाले मेरे हैं, इसलिए उसी आस से बैठा हुआ है, मैं कैसे भोजन कर लूँ। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ से उतर करके आते हैं और उसको जेल में चकाचक भोजन करा कर बढ़िया बढ़िया भोजन करके जाते हैं। बोले काल कोठरी में बंद कर दिए, कुछ दिन बाद में बोले खोलो, सड़ गड़ कर खत्म हो गया, जब खोलते ना और मोटा हो गया कैसे, ये इसको तो खिलाया नहीं, मोटा कैसे हो गया, हैं, लेकिन इसको कौन खिला रहे थे, हाँ, इसलिए जब हम शरणागत होंगे ना प्रभु जी तभी विश्वास, अभी विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या, भजन नहीं कर रहा, हम भक्ति नहीं कर रहे, जैसे भक्ति करनी चाहिए ना हमको भगवान पर, जैसे भक्ति करनी चाहिए ऐसे भक्ति हम नहीं कर रहे, इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कमी किसकी है, कमी ठाकुर जी का ना, कमी हमारी है, इसलिए जैव धर्म में भक्त में ठाकुर कहते हैं जब कोई जीव भगवान से विमुख होकर चले जाता है, भगवान उसको पीछे पीछे भागते हैं, बेटा एक बार मेरे तरफ मोड़ कर तू देख,
क्यों ये माया के प्रति जाकर के इतने दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हो, क्यों संसार में इतने, एक बार तो मेरे तरफ मोड़ कर देख तब तुम्हें पकड़ करके ले आऊंगा तेरे को, अगर तुम मोड़ करके नहीं देखेगा तो मैं लाऊंगा कैसे, मैं तो चाह रहा हूँ तेरे को मैं अपना पास में ले आऊ, लेकिन तुम मेरे तरफ देख ही नहीं रहे। इसलिए भगवान के चरण में शरणागत होकर भक्ति करो, भजन करो, ठीक है। जब हम भक्ति भजन करेंगे ना तभी हमारे ऊपर में भगवान ऊपर में विश्वास होगा। जब तक सही सही भक्ति हम नहीं करेंगे भगवान ऊपर विश्वास नहीं होगा, विश्वास होगा दुनिया को ऊपर, शायद लिखा पढ़ा सीख करके नौकरी चाकरी करके फिर तो कमा कर पैसा हम कमा करके ना तो पैसा हमें रखा करेगा, लेकिन ठाकुर को भजन हमें रखा करेगा ये विश्वास नहीं होगा। इसलिए भक्ति शुद्ध रूप में करनी चाहिए और भगवान ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, ठीक है ना। बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरी हरी बोल।